दोस्तों तो कहा जाता है जो हमारे पुराने उसमें बोला जाता है पुराने लोग आयुर्वादाचार्य बोलते हैं कि शहद को कभी भी जैसे मेटल का है मेटल का जो चम्मच आप देख रहे हैं इसमें नहीं रखना चाहिए एक्चुअली आपने कई बार देखा भी होगा कि जो शहद की जो पिक्चर होती है कहीं भी ऐड होता है तो उसमें मेटल का नहीं बल्कि लकड़ी का चम्मच दिया जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे कि इसका क्या रीजन है हमें शहद को लकड़ी के चम्मच से लकड़ी के उससे ही क्यों यूज करना चाहिए सबसे पहला रीजन है कि जो मेटल के साथ जब जो शहद होता है हनी का टेक, वो पीएच जो है एसिडिक होता है और वो मेटल के साथ रिएक्ट करके उसका टेस्ट और टेक्सचर बदल देता है अब सवाल उठता है बहुत लोग कहेंगे हम तो हमेशा से चम्मच में खाते रहे तो दोस्तों उसका सिंपल सा रीजन है इतनी जल्दी कुछ नहीं होता जो आप इसे लेके आप खा रहे हैं पांच मिनट दस मिनट के अंदर कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आप मेटल में रख देंगे उसको बहुत दिनों तक तो स्टील या मेटल के चम्मच के साथ वो रिएक्ट करके उसका टेक्सचर और वो क्वालिटी भी खराब कर देगा इसीलिए हम मेटल के स्पून में या मेटल के बर्तन में शहद को नहीं रखते ये एक बात हुई दूसरी बात है शहद के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कि शहद शहद के बारे में माना जाता है कि अगर हम शहद को अफ्रीका में खासतौर से माना जाता है कि अगर हम शहद को मेटल में रखते हैं तो एक हनी गाइड नाम की चिड़िया होती है हनी गाइड जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि हनी की तरफ गाइड करते हैं यानी कि आदमी को बताता है कि हनी कॉम किधर है मतलब बी हाइव्स किधर रखे हुए हैं जिससे कि आदमी शहद लेता है वहाँ से तो जो हनी गाइड बर्ड है वह मतलब गुस्सा हो जाती है और आदमी का लक खराब होता है इसीलिए शहद को मेटल में नहीं रखते हैं। उसके बाद एक और रीज़न है इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो स्टिकी होती है और मेटल में ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है तो सिंपल सा रीजन है वो भी एक रीज़न है कि हम मेटल में नहीं रहते हैं शहद को और लास्ट बट नॉट ऑन लिस्ट एक एक बहुत बड़ा फैक्ट है शहद के बारे में कि शहद कभी भी खराब नहीं होता जो कि आप जानते हैं शहद ही एक ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में जो कभी भी खराब नहीं होता इजिप्ट के पिरामिड्स में जो शहद मिले हैं वो आज भी एडिबल है हज़ारों सालों के बाद यानी कि शहद को अगर आप मेटल शीशे में या शीशे के में के उसमें रखते हैं कंटेनर में रखते हैं जैसे कि यह शीशे का हमेशा आपने देखा होगा शीशे में ही रखा जाता है तो शीशे में रखते हैं और मेटल का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो शहद हजारों साल भी रह सकता है और यही एक चीज़ है दुनिया में जो कभी भी एडिबल चीज़ है खाने वाली चीज़ है जो कभी भी खराब नहीं होती तो दोस्तों अगर वीडियो लाइक वीडियो आपको पसंद आई हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग